नमस्कार किसान भाइयों, मैं हूं पवन और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पवन ग्रुप ऑफ एग्रीकल्चर में। किसान भाइयों, हम आज बात करेंगे कि आप अपने गेहूं का पैदावार कैसे बढ़ा सकते हैं और अधिक ले सकते हैं। तो आज मैं एक नए कॉम्बिनेशन के बारे में बात करूंगा जो मैं अपने, देखिए मैं अपने फसल पर हूँ, सुबह अपने खेत पर हूँ और इसमें मैं अपने जो हमारा खेत है वो लगभग 4 एकड़ के आसपास है और मैं अपने 4 एकड़ खेत को 3 भागों में मैंने बांट दिया है और तीनों में अलग अलग तरह के जो हैं कम्बिनेशन उसका मैंने छिड़काव किया है और मैं आपको एकदम दिखाऊंगा भी कि देखिए कैसे अंतर है तीनों में। और ये देखिए बालियां इसमें लग गई हैं, ये देखते हैं बालियां और तीनों के बालियों में अंतर है। तो मैंने क्या क्या छिड़काव किया है। अगर आप अपने फसल में अभी छिड़काव नहीं किए हैं तो आप हमारे कम्बिनेशन को देख कर आप छिड़काव कर सकते हैं और इस वीडियो को पूरा देखिएगा किसान भाइयों। अगर आपने वीडियो को पूरा नहीं देखा तो अधूरी जानकारी से वजह से आप सही से अपने छिड़काव नहीं कर पाएंगे। इसमें मैं पूरी बात बताऊंगा कि डोज क्या है, कौन कौन सी चीज़ें हमने फेंकी हैं। तो चलिए देखते हैं किसान भाइयों, ये मेरा पहला प्लाट है, देखते हैं ये गेहूँ लगा हुआ है श्रीराम कंपनी का और इसमें हमने जो छिड़काव किया है इसमें मैंने 3 चीज़ों का छिड़काव किया है और एक है, पहला है आपका NPK 0050 और दूसरी सगारिका और तीसरा वेजमोर। मैंने इन तीनों के को एक में मिलाकर मैंने इसमें इसको दिया हुआ है और दूसरा मेरा जो प्लाट है अभी मैं दिखा रहा हूँ आपको और उसमें मैंने छिड़काव किया है सिर्फ NPK और तीसरे प्लाट में किसी चीज़ का छिड़काव नहीं किया, वो सिंपल है, सिर्फ जो पहले के फर्टिलाइज़र हमने डाला हुआ है उसका मैंने छिड़काव किया है। तो आप देख सकते हैं इसकी बालियाँ जो हैं, जो मैंने तीनों चीज़ का मिला कर इसमें छिड़काव किया है, NPK सागारिका और बीजमोर, ये देखिए ये मतलब कि 4 इंच से बड़ी इसकी बालियां लग रही हैं और अभी ये शुरुआती बालियां हैं, इसकी लंबाई और दाने की मोटाई अभी बढ़ेगी। तो आप देख सकते हैं इस बाली को, देख सकते हैं हर बालियां एक समान आई हुई हैं इसमें। और जो मेरा सेकेंड पार्ट है जिसमें NPK का छिड़काव किया है उससे इसकी बालियाँ बड़ी हैं। तो चलिए हम सेकेंड प्लाट को दिखाते हैं। तो ये देखिए किसान भाई, ये मेरा दूसरा प्लाट है, इसमें मैंने सिर्फ NPK 0050 का छिड़काव किया हुआ है और इसकी बालियाँ मैं आपको दिखा रहा हूँ उसके हिसाब से छोटी लगी हुई हैं। ये देखिए मैं एक लेता हूँ, ये है, ये सब बालियाँ इसकी है, मैं नापता हूँ, देखिए ये मेरी 4 अंगूर से भी छोटा हो गया है। और दूसरी मैं ले लूँ, ये देखिए दूसरी भी वही चीज़ है, इसकी बाली छोटी है। मैं तीसरी दिखा रहा हूँ, तीसरी कोई बाल लेकर ये देख सकते हैं आप, मतलब कि इसमें जो बालियाँ लगी हुई हैं छोटी लगी हुई हैं। इसमें मैंने सिर्फ NPK 0050 का मैंने छिड़काव करवाया था और मैंने उसमें एक्सपेरिमेंट के तौर पर मैंने उसमें 3 चीज़ों का छिड़काव कराया था। एक मैंने बताया आपकी 0050 सागारिका और वेजमोर का, बहुत ही अच्छा रिजल्ट है, आप ये देख सकते हैं। ये मेरा सेकेंड प्लाट है और वो मेरा पहला प्लाट था जिसमें बालियाँ बहुत अच्छी लगी हैं, इसमें सिर्फ NPK मैंने छिड़काव किया। देखिए ये देखिए मैंने ये घास का दवा इसमें डाला था, ये देखिए बहुत ही अच्छा रिजल्ट आया हुआ है। मैं उसके बारे में वीडियो बनाऊंगा कि कौन से मैंने दवा डलवाया है और हर प्रकार की जो इसमें घास है वो ख़त्म हो गए हैं, खरपतवार जो है ख़त्म हो गए हैं। और ये मेरा सेकेंड प्लाट है और वो मेरा जो है फर्स्ट प्लाट है। मैं जो तीसरा प्लाट है जिसमें मैंने NPK नहीं डलवाया, मैं उसको दिखाऊंगा आपको। ये मेरा तीसरा प्लाट है जिसमें NPK का छिड़काव नहीं कराया हुआ है मैंने, इसमें बालियाँ और भी छोटी लगी हुई हैं, इसका मैंने बहुत कम ही ये इसे प्लाट को ऐसा किया था। और इसमें देख रहे हैं बालियों के मैं लंबाई नापूँ तो ये देखिए इसमें जो अधिक बालियाँ हैं 2 इंच की, तीन अंगूर की, 2 अंगूर की और ऐसे 4 अंगूर की, मतलब बालियों की साइज छोटी बड़ी है, बहुत अच्छी नहीं हुई है। और ये देख सकते हैं ये मेरा तीसरा प्लाट है, ये देख सकते हैं और ये देखिए इसमें तो एकदम ग्रोथ ही नहीं हुआ है जैसे लग रहा है। तो ऐसा है, तो मैं आपको जो कम्बिनेशन पहली आपको प्लाट में बताया था वैसा आप छिड़काव करिए, पैदावार निश्चित ही बहुत अच्छा जाने वाला है। पहला प्लाट पर फिर हम लोग आ गए हैं, देख लीजिए बालियाँ, इसमें बालियों की लंबाई बहुत ही ज़्यादा है, अभी ये बालियाँ बढ़ेंगी। ये देखिए 4 अंगूर से ज़्यादा है, ये देखिए दूना से ज़्यादा ये इसकी बालियाँ उसमें से हुई हुई हैं।
तो आज हम इसमें बात करें कि कितना कितना डोज में मैंने एनपीके इसमें डाला था, कितना मैंने फगारिका डाला था और कितना हम इसमें आपका वेज मोड हम डाले थे। तो हम बता दें कि हमने इसमें एनपीके जो है 100 ग्राम प्रति टंकी एनपीके हमने इसमें डाला था और 50 ml प्रति टंकी, मतलब प्रति 15 लीटर पानी में 50 ml हमने जो है फगारिका का डाला था। और फिर इसके बाद जो इसमें वेज मोर है, दयाल कंपनी का वेज मोर आता है, हमने इसमें डाला था 20 ग्राम, मतलब कि आपको 100 ग्राम एनपीके 50 जो ml है वो है फगारिका और 20 ग्राम है वेजमोर, तीनों का घोल बनाकर इसमें हमने छिड़काव कराया था। उसका रिजल्ट बहुत ही आया हुआ है, बहुत अच्छा आया हुआ है और उसका रिजल्ट देखने को मिल रहा है। मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि आपको लिखित दे रहा हूँ कि झूठी बता रहा हूँ, ये आप देख रहे हैं, स्वयं देख रहे हैं कि रिजल्ट है कि नहीं, मैं अपने प्लाट पर से दिखा रहा हूँ आपको। तो भी आप भी इसका छिड़काव करिए। आपको अगर आप एनपीके लेते हैं अच्छी कंपनी का 0050, तो आपको वो मार्केट में उपलब्ध हो जाएगा 120 रुपये से लेकर 150 रुपये में, जिसमें नाइट्रोजन 0%, फास्फोरस 0% और पोटास 50% होता है। अच्छी कंपनियों में सल्फर भी 12% ऐड होता है, जो फसलों के लिए बहुत ही अच्छा होता है। फिर उसके बाद बात करते हैं फगारिका की। फगारिका की 250 ml की जो पैकेट आता है 135 रुपये का आता है। और उसके बाद बात करते हैं वेजमोर की। वेजमोर का 100 ग्राम का जो पैकेट आएगा वो 60 रुपये के आसपास आएगा। तो ये तीनों मिलाकर आप छिड़काव कराइए। किसान भाई, इस तीनों का वीडियो हमें डिटेल्स में अलग अलग बनाया हुआ है, एनपीके 0050, फगारिका और वेजमोर का, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसे भी आप देख लीजिएगा। और खाद कब कब देना चाहिए सबका हमने एक वीडियो अलग अलग बनाकर अपने चैनल पर है, उसको आप देखिए कि समय समय पर कौन सा खाद दें, सिंचाई कब कब करें। तो किसान भाइयों, आप ये वीडियो के जो हमने बताया है कम्बिनेशन, वो अगर छिड़कते हैं तो आपका ज़रूर ही पैदावार बढ़ेगा। किसान भाई, अगर वीडियो आपको पसंद आया, हमारे बताए हुए विधि आपको पसंद आए, तो आप इस वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए, जिससे ये जानकारी दूसरे किसान भाइयों को भी प्राप्त हो सके। लाइक करिए, शेयर करिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और स्वस्थ रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय जवान, जय किसान, धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए पवन ग्रुप अब एग्रीकल्चर।